माता की, भारत माता की, ये पीछे तक मुट्ठी बांधकर इस भारत माता के नारे गूंजने चाहिए। पंजा नहीं दिखाई देना चाहिए, पंजा नहीं, ये खून का पंजा नहीं दिखाई देना चाहिए। दोनों मुट्ठी बांधकर हनुमान के गदा के रूप में जिस पर पड़ जाए, एक बार में साफ हो जाए, ऐसे दोनों हाथ करके मुट्ठी बांध के भारत माता के नारा ऐसा गूंजना चाहिए कि दिल्ली तक गूंज होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, बंदे बंदे बंदे। आज विजय संकल्प रैली में पधारे हमारे प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहां पर मौजूद, सभी भारतीय जनता पार्टी के मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी विधायकगण और मेरे साथ जो यहां से चुनाव लड़ रहे, ऐसे मेरे हमारे हाथरस से राजवीर दिलेर जी, बुलंदशहर से डॉक्टर भोला सिंह जी, तीनों को फॉर्मूल सपोर्ट कर उनको कमल के फूल खिलाने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज देश में तीन प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने किसानों का ध्यान रखा। पहले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा हुए, दूसरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने विश्व में डंका बजाया, अब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनकी बदौलत देश का नाम सम्मान बढ़ा, गौरव बढ़ा है। मैं आपसे निवेदन करने के लिए, अपील करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं और निवेदन करना चाहता हूं, मेरे युवा भाइयों, मेरे माता बहनों, सब लोग जिस तरह से आप लोग मोदी जी को सुनने के लिए यहां पर आए हुए हैं और भारी संख्या में यहां मौजूद हैं, आज मोदी जी आपके बीच में आ रहे हैं, आप उनको सुनेंगे। मैं निवेदन करता हूं, जो जोश है आपके अंदर, जो जोश है आपके अंदर, जो एक भूकाल दिखाई दे रहा है, एक मेला दिखाई दे रहा है, पुनः निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी अलीगढ़ की जनता, मेरी अलीगढ़ की जनता, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह 2014 में यहां से कमल खिलाने का काम आप लोगों ने किया था, पुनः 2019 में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए, देश का सौरभ बढ़ाने के लिए, इस सेना के सम्मान के लिए, इस देश के सम्मान के लिए, और आप लोगों से निवेदन करता हूं, जिस तरह से आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसी निवास ग्राउंड से 2014 में प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, मेरी जनता, मेरे जिम्मेदारों, आपके चरण वंदन करते हुए आपको यहां से मैं मंच के माध्यम से अपनी लोकसभा की जनता को यहां से चरण वंदन करता हूं, यहां से दंडवत करता हूं। आप ये जनता जिनकी बदौलत आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सतीश गौतम सांसद है, मैं आप लोगों से झोली फैलाकर जनता से भीख मांगना चाहता हूं, जिस तरह से आपने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इसी तरह से आज राष्ट्र की खातर पुनः प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।